नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बारे में, जिसका कोड है EL309। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे नीड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, एनालॉग एंड डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन, और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नीड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, एक सिस्टम नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर करने और आपस में कम्युनिकेट करने में हमारी मदद करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के इम्पोर्टेंट यूजेस एंड बेनिफिट्स कुछ इस तरह हैं, जिसमें फर्स्ट है फाइल शेयर। कंप्यूटर नेटवर्क एक यूजर की बहुत सारी फाइल्स को शेयर करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ईमेल के थ्रू अपनी फाइल्स को घर बैठे नेटवर्क के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा सकते हैं। सेकेंड है हार्डवेयर। इसमें यूजर्स बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में शेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर्स, स्कैनर्स, CD-ROM ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स एक्सेट्रा। बिना कंप्यूटर नेटवर्क इन डिवाइसेस को आपस में शेयर करना नामुमकिन है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन शेयरिंग। नेटवर्क के थ्रू बहुत सारी एप्लीकेशन को शेयर किया जा सकता है, जैसे गूगल, याहू, फेसबुक आदि, और ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने की परमिशन देता है। नेक्स्ट इज यूजर कम्युनिकेशन। बहुत सारे यूजर्स हार्डवेयर के थ्रू आपस में ईमेल, न्यूज ग्रुप्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के द्वारा आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज नेटवर्क गेमिंग। इसके अलावा बहुत सारे यूजर्स अलग अलग लोकेशंस पर होते हुए भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट के थ्रू आपस में बहुत सारी गेम्स भी खेल सकते हैं। अब बात करते हैं सिग्नल्स के बारे में कि एक सिग्नल क्या है। सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल करंट होता है, जो कि एक सिस्टम से डेटा को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये किसी भी टाइम के अनुसार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। एक सिग्नल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ऑब्जर्वेबल चेंज इन क्वालिटी सच एज क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, किसी चीज की क्वालिटी कितनी हाई और लो है, एंड क्वांटिटी मतलब उस चीज की मात्रा कितनी है। अब बात करते हैं एनालॉग एंड डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के बारे में। एनालॉग ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन होता है जो कि इंफॉर्मेशन या डेटा को कंटिन्यू सिग्नल के द्वारा कन्वे करता है। जैसे कि इसकी डायग्राम को देखें तो एनालॉग सिग्नल को कंटिन्यू सिग्नल भी कहा जाता है। डिजिटल ट्रांसमिशन ये वो सिग्नल है जो दो वैल्यूज यानी कि 0 और 1 के बीच में वेरी करता है। अगर ये सिग्नल ऊपर की तरफ जाएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी नंबर 1, और अगर ये सिग्नल नीचे की तरफ आएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी नंबर 0। इसलिए इसको डिस्क्रीट सिग्नल भी बोला जाता है। कई बार एग्जाम में इन सिग्नल्स की डेफिनेशन से ज्यादा इनका डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो जरा इन सिग्नल्स के डिफरेंस के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनालॉग सिग्नल्स को कॉन्टिन्यूस सिग्नल भी बोला जाता है और डिजिटल सिग्नल्स को डिस्क्रीट सिग्नल्स भी कहा जाता है। जैसे हमने डायग्राम देखा था कि एनालॉग सिग्नल्स को साइन वेव से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिजिटल सिग्नल्स को स्क्वायर वेव से रिप्रेजेंट किया जाता है। एनालॉग सिग्नल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ह्यूमन वॉइस, नेचुरल साउंड, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। इसी तरह डिजिटल सिग्नल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एनालॉग सिग्नल्स की वैल्यूज कॉन्टिन्यूस चलती हैं और डिजिटल सिग्नल्स की वैल्यूज कॉन्टिन्यूस नहीं होती। एनालॉग सिग्नल साउंड वेव को ऐसे ही रिकॉर्ड करता है, डिजिटल सिग्नल बाइनरी वेव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में। ट्रांसमिशन मीडिया, हमने पहली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि किसी डेटा को नेटवर्क के थ्रू सेंड और रिसीव करने के लिए एक मीडिया की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। इसका मेन फंक्शन ये है कि ये लोकल एरिया नेटवर्क्स के थ्रू डेटा पैकेट्स को बिट्स की फॉर्म में सेंड करता है। ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली दो तरह के होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। और फर्दर गाइडेड मीडिया तीन तरह के होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसी तरह अनगाइडेड मीडिया भी फर्दर तीन तरह के होते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। अब इन सारी टाइप्स को आगे डिटेल में जानते हैं।
फर्स्ट है हमारा गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को वायर्ड मीडिया और बाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है। इसमें डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए एक फिजिकल पाथ क्रिएट किया जाता है। गाइडेड मीडिया की विशेषताएं ये है कि ये सिक्योर है, इसकी स्पीड हाई होती है और ये स्मॉल डिस्टेंसेस पर भी यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में कॉपर के तारों को यूज किया जाता है, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा चालक होता है। अब जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, ये तार इंसुलेटेड होते हैं, यानी कि इन पर प्लास्टिक की एक कोटिंग होती है और ये वायर्स आपस में ट्विस्ट हुए होते हैं या आपस में लिपटे हुए होते हैं। इनकी आपस में ट्विस्ट होने के कारण ही ये सिग्नल को बड़ी तेजी से ट्रांसमिट करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल भी आगे दो टाइप्स की होती हैं, जिसमें फर्स्ट है यूटीपी यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। दिस यूटीपी केबल्स हैज द कैपेसिटी टू ब्लॉक इंटरफेरेंस। इसमें किसी भी तरह की दखल अंदाजी को रोकने की कैपेसिटी है। इसका यूज टेलीफोनिक एप्लीकेशंस में किया जाता है। इसके फायदे ये है कि ये लो कॉस्ट है, इसको इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है और इसकी स्पीड हाई होती है। पर इसकी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसकी कैपेसिटी कम होती है और ये डेटा को बहुत ही कम डिस्टेंस पर ट्रांसमिट कर सकती है। नेक्स्ट है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें दो कॉपर वायर्स को एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करने के बाद मेटेलिक फॉयल से शील्ड या कवर करने के बाद सभी फोर पेयर वायर्स को मेटेलिक फॉयल से कवर करके एसटीपी केबल बनाई जाती है। इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, पर इसको इंस्टॉल करना काफी मुश्किल होता है और ये केबल काफी महंगी भी होती है। नेक्स्ट इज कोएक्सियल केबल। ये केबल एक गोल आकार की केबल होती है, जिसमें एक मुख्य चालक तार होता है, जिसे इनर कंडक्टर कहा जाता है, जो एक ठोस प्लास्टिक के मोटे इंसुलेशन से ढकी होती है। इसके ऊपर फॉयल होती है और उसके ऊपर धातु के तारों की जाली लिपटी होती है, जिससे आउट कंडक्टर कहा जाता है, और सबसे ऊपर प्लास्टिक का पाइप होता है, जो इन सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसकी कॉस्ट लो होती है और इसको इंस्टॉल करना भी इजी होता है, पर इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि केबल के फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। एंड लास्ट गाइडेड मीडिया इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी पतली तार होती है, जिससे लाइट का उपयोग करके बहुत तेजी से डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में बिजली का नहीं बल्कि लाइट का संचार होता है। ये केबल एक पतले कांच या प्लास्टिक से बनी एक तार होती है, जिससे लाइट के रूप में मैसेज को कन्वे किया जाता है। इसकी मेन एडवांटेजेस ये हैं कि ये केबल बहुत लाइट वेट होती है और इसकी कैपेसिटी और बैंडविड्थ इंक्रीज होती है। एंड डिसएडवांटेजेस आर इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है और इसको मेंटेन और इंस्टॉल करना काफी डिफिकल्ट होता है। अनगाइडेड मीडिया। अब बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया के बारे में। इसे अनबाउंडेड मीडिया और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया भी कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कोई फिजिकल पाथ नहीं होता, बल्कि इसमें सिग्नल को हवा के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। ये मीडिया भी फर्दर तीन तरह का होता है, जिसमें फर्स्ट है रेडियो वेव्स। इनकी फ्रिक्वेंसी 3 kHz से 1 GHz तक होती है। इन्हें आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है और इनका अटेन्यूएशन भी हाई होता है। रेडियो वेव्स ज्यादातर ओमनी डायरेक्शनल होती है। जब एक एंटीना रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करता है, तो ये सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। रेडियो वेव्स का यूज टेलीविजन, मोबाइल और रेडियो के कम्युनिकेशन में होता है। इनमें एक रेडियो ट्यूनर होता है, जो कि रेडियो वेव्स को रिसीव करता है और स्पीकर में इन वेव्स को मैकेनिकल वाइब्रेशन में बदल देता है, जिससे हमें स्पीकर से आवाज सुनाई देती है। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव्स। इसमें इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा किया जाता है, जिसकी वेव लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। इनकी फ्रिक्वेंसी 1 GHz से 300 GHz तक होती है। माइक्रोवेव्स का यूज खाना बनाने और मोबाइल आदि में किया जाता है और वाईफाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एंड लास्ट अनगाइडेड मीडिया इज इंफ्रारेड वेव्स। ये एक विशेष वेव लेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है,
जिन्हें हम इंफ्रारेड कहते हैं। इन वेव्स को मनुष्य देख नहीं सकता परंतु अपनी स्किन पर हीट के रूप में महसूस कर सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक होती है। इनका यूज टीवी रिमोट कंट्रोल, वायरलेस लैन, सीसीटीवी और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम आदि में किया जाता है। सम फैक्टर ट्रांसमिशन मीडिया को डिजाइन करने के लिए कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स को यूज किया गया है, जिनके नाम है बैंडविड्थ, रेडिएशन, अब्सॉर्प्शन ऑफ नॉइस, अटेन्यूएशन। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कॉजेज, अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के बारे में, यानी ट्रांसमिशन कमजोरी के बारे में कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट किन किन कारणों से होती है। इसमें फर्स्ट है अटेन्यूएशन, ये लॉस ऑफ एनर्जी है जो कि सिग्नल के कम होने और डिस्टेंस से ज्यादा होने के कारण हो सकता है। सेकंड इज डिस्टॉर्शन, यानी कि बिगड़ जाना। मेन तौर पर डिस्टॉर्शन सिग्नल की शेप चेंज होने के कारण होता है। इस तरह की डिस्टॉर्शन बहुत सारे सिग्नल्स में देखी जा सकती है जिसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हर एक फ्रीक्वेंसी की अपनी एक अलग प्रोपेगेशन स्पीड होती है क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइम पर पहुंचते हैं जो कि डिस्टॉर्शन में डिले का या देरी का कारण बनता है। एंड लास्ट इम्पेयरमेंट इज नॉइज, जब हम डेटा को किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं तो इसमें कोई अनवांटेड सिग्नल अपने आप ऐड हो जाता है जिसको नॉइज कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब अगली बार मिलेंगे एक नई वीडियो के। हमारी और नई वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लिसनिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।